हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट गाइस। आई एम प्रिया पवार और हम आज से एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ समग्र को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। हम पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक से छत्तीसगढ़ PSC और छत्तीसगढ़ व्यापम में पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को समग्र छत्तीसगढ़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। छत्तीसगढ़ जनजाति के जो ऑथर है वो है डॉक्टर अशोक प्रधान और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा। इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जनजाति किसे कहेंगे हम? एक समूह पर्वतीय क्षेत्रों में जो जाकर रहते हैं और कालांतर में जो दूरी के कारण निरंतर पिछड़ते चले गए। मानव समाज का वह हिस्सा जो सभ्यता और विकास की मुख्य धारा से दूर हो, उसे कहते हैं जनजाति। जनजाति कहते हैं आदिवासी, वनवासी, वन्य जाति, आदिम जाति इत्यादि। ये सब एक प्रकार के ही समूह के नाम हैं। प्रत्येक समूह का एक समुदाय होता है और उनका एक स्वयं का नाम होता है। मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो जनजाति शब्द को प्रमुखतया कब स्वीकारी जाने लगा? जब जनजातियों को भारतीय संविधान के लागू होने के बाद विशेष रूप से प्रचलन में यह चीज़ आई। तो जनजाति को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राइब। अब अलग अलग लेखकों ने जनजातियों को अपनी तरीके से परिभाषित किया था। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, सबसे पहले परिभाषा देखेंगे गिलिन और गिलिन के अनुसार। इन्होंने कहा कि जनजाति हम किसे कहेंगे? ऐसे समुदाय को कहेंगे जो एक सामान्य भूभाग में रहे, एक सामान्य भाषा बोले और एक सामान्य संस्कृति का व्यवहार करे। उसी तरीके से DN मजुमदार के अनुसार जनजाति क्या है? एक परिवारों का संकलन है जिनमें विवाह, व्यवसाय, उद्योग प्रचलित होते हैं। और जिस तरीके से गिलिन एंड गिलिन का डेफिनेशन था, परिभाषा थी कि एक निश्चित भूभाग में रहना चाहिए, भाषा होनी चाहिए, है ना, और सामान्य नाम होना चाहिए। लेकिन साथ साथ में DN मजुमदार ने और कॉन्सेप्ट दिया कि विवाह, व्यवसाय, उद्योग और कुछ निषेध का पालन करना करते हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। फिर एक बुक है जिसको हम कहते हैं नोट्स एंड कवरेज। उसमें जनजाति को ऐसा समुदाय बताया गया है जो विशेष भू स्थान का स्वामी हो। याद रखना, नोट्स एंड कवरेज में जनजाति को क्या कहा गया है? विशेष भूभाग का स्वामी हो, राजनैतिक और सामाजिक दृष्टि से श्रृंखलाबद्ध स्वायत्त शासन चला रहा हो। ठीक है, इसी तरीके से इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, इसमें क्या कहा गया है? एक जनजाति का सामान्य नाम होगा, सामान्य भाषा होगा, सामान्य भूभाग में वो बसे हुए होंगे और अंतर्विवाही नहीं होते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि इम्पीरियल गजेटियर के अनुसार जो तीन कॉन्सेप्ट चले आ रहे हैं वो तो है ही, साथ में अंतर्विवाही नहीं होते हैं। अब ये सारी परिभाषाओं से हमको ये पता चलता है कि अलग अलग जनजाति समाज जो है वो विभिन्नता और परिवर्तन के अनुसार कार्य करती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जनजाति समूह की विशेषताएं क्या होती है और इसका लक्षण क्या होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 8 प्रकार की विशेषता होती है। पहले चीज़ कि एक विशेष नाम होगा, दूसरा एक परिवार या एक समूह होगा, भौगोलिक वितरण उनका होगा सुनिश्चित भूभाग पर, साथ ही एक संस्कृति को ये फॉलो करेंगे, एक प्रकार की बोली बोलेंगे, गोत्र और अंतर्विवाही समूह की विशेषता होगी, स्वतंत्र और सुरक्षात्मक संगठन होगा और स्वतंत्र प्रकार से राजनीतिक इनका संगठन होगा जिसका मुखिया सर्वोच्च होता है। तो ये 8 चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब जनजातियों को अलग अलग तरीके से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले भौगोलिक आधार पर देखते हैं। तो भौगोलिक वर्गीकरण सबसे पहले किया गया था BS गुहा के द्वारा 1951 में, जिनमें उन्होंने कहा कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट या उत्तर उत्तर पश्चिम की क्षेत्र की जनजातियाँ और मध्य क्षेत्र की जनजातियाँ, साथ ही उन्होंने कहा कि दक्षिण क्षेत्र की जनजातियाँ। तो अगर आपसे पूछे कि भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर VS गुहा ने जनजातियों को कितने प्रकार में विभक्त किया है, तो आपको बताना है कि 3, 1 नॉर्थ या उत्तर और उत्तर पश्चिम,
मध्यवर्ती और साथ में दक्षिण क्षेत्र की जनजातियाँ। उसी तरीके से मदन एवं मजुमदार ने भी उनके अनुसार ही क्या किया है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र चार भाग में विभाजित किया गया। ऐसे अलग अलग विद्वानों ने इस प्रकार से विभाजित किया है। ठीक है, अब ललिता प्रसाद विद्यार्थी 1976 ने भारत में, पूरे भारत में जो जनजाति है उनके आवास के स्थानों के आधार पर क्या किया है, जनजातियों का वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हिमालयन क्षेत्र में। तो हिमालय क्षेत्र को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, उत्तर पूर्वी हिमालय जिसमें आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र आएंगे, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और उसी प्रकार से मध्यवर्ती हिमालय में कौन आएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार, और उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र में आएंगे हिमालय और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी जनजाति पाई जाएगी। तो गुर्जर, भोट, थारू, कुकी, मिजो, मिजोरम क्षेत्र में मिजो पाई जाएगी। उसी तरीके से नागालैंड क्षेत्र में नागा जनजाति पाई जाएगी। तो ये सब नाम आपको याद रखने हैं। उसी तरीके से मध्य भारत क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति पाई जाएगी, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये मध्य भारतीय क्षेत्र हो गए। और इन पे मुख्यतः कौन कौन सी जनजाति पाई जाएगी, संथाल, मुंडा, उराव, हो, भूमिज, लोढ़ा, इस प्रकार से इन जनजातियों के नाम आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेने हैं। फिर पश्चिम भारतीय क्षेत्र, पश्चिम भारतीय क्षेत्र जैसे आप जानते हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और कोंकण, इस क्षेत्र में मीना, भील, इस प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। वैसे दक्षिण भारत क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, डोरा, इरुला, कुरवान, नेकोड़ा, यरवा, ये सारे क्षेत्र आ जाएंगे। इनमें प्रमुखता जो जनजाति पाई जाएगी वो होगी गोंड, भेरुकुल, कोंडा, पुलियन, पनियन, कादर इत्यादि। और उसी प्रकार से द्वीप समूह, दो द्वीप समूह है हमारे, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसमें प्रमुख जो जनजाति पाई जाएगी, ओंगे, जरावा, पाम्पेन एंड सेंटेलिस। सेंटेलिस पिछले समय में बहुत न्यूज़ में रहे थे, अंडमान निकोबार की जनजाति है। भारत के मैप में आप देख सकते हैं कि हिमालयन क्षेत्र की जनजाति, नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम क्षेत्र की जनजातियाँ, पश्चिम क्षेत्र की जनजातियाँ, है ना, दक्षिण क्षेत्र की जनजातियाँ और द्वीप समूह की जनजातियाँ, साथ ही मध्य क्षेत्र की जनजातियाँ। इस तरीके से पांच भागों में इसको विभाजित किया गया है। वर्गीकरण भी देखते हैं, तो प्रजातीय वर्गीकरण रिजले ने 1991 में, बी एस गुहा जी ने 1935 में और डी एन मंजुमदार ने 1944 में प्रमुख रूप से किया था। तो रिजले ने सर्वप्रथम जो भारतीय प्रजातियों को वर्गीकृत किया था उसमें छह प्रकार की भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर या प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। तुर्क और ईरानी, इंडो आर्य, साइथो द्रविड, आर्य द्रविड, मंगोल और द्रविड, इस प्रकार के छह वर्गीकरण है। इसको आपको याद रखना है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये दिया है रिजले ने। फिर गुहा जी ने 1931 में जनगणना के समय नेतृत्व मिति का उपयोग करते हुए 2000 मानव सिरों का मापन किया और इस प्रकार से उन्होंने छह प्रजातियों में इसको विभक्त किया था। तो जिसको हम बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है जो हमेशा से हम जानते हैं, जैसे कि निग्रेटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, मंगोलाइट, मेडिटेरेनियन और पश्चिमी ब्रेकोसेफल्स और नॉर्डिक, इस तरीके से विभक्त है। ये विभाजन किन के द्वारा दिया गया है, तो गुहाजी के द्वारा में दिया गया है 1931 में, छह प्रजातियों में विभक्त किया गया था मानव शरीर के आकार के आधार पर। अब प्रजातियों के लक्षण के आधार पर वर्गीकृत इन्होंने 1952 में किया था। ठीक है, 1931 में सिर के आकार के आधार पर किया था और 1952 में क्या किया कि इनके प्रजातीय लक्षणों के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया था। दक्षिण भारत के कादर, इरुला, पनियान जनजाति अपने घुंघरालू बालों के कारण निश्चित रूप से निग्रोटो कहा जाता है। तो अगर आपको पूछेंगे निग्रोटो कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण भारत में।
वैसे ही मध्य क्षेत्र की जनजातियों को क्या बोलते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, और इसी तरीके से हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ की जितनी जनजाति है उनको भी हम क्या कहते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट। उत्तर पूर्वी के जो भारत के जनजाति होंगे उनको मंगोलाइड कहा जाएगा, ठीक है। आँखें और चेहरे में विशिष्ट लक्षण इनके पाए जाते हैं, और मध्यम कद ऊंचे सिर वाले, मध्यम नाक वाले, थोड़े भिन्न प्रकार के मंगोलाइड ब्रह्मपुत्र घाटी में मिलते हैं। अब जनजातियों का भाषा के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है, चार भागों में किया गया है। पहले आग्नेय ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार वाले, जिसमें मोन, खमेर, खासी तथा निकाबारी जनजाति बोली जाती है, उसी तरीके से मुंडा। तो पहले आग्नेय में दो भाग हो गए, क और ख, क में मोन और खमेर हो गए, और ख में हो गया मुंडा। मुंडा में जो भाषाएं बोली जाएगी वही संथाली, खरबारी हो, मंडारी, गोंडी, खड़िया इत्यादि। और तिब्बती चीनी परिवार में दो प्रकार के भाषा परिवार पाए जाएंगे, एक श्यामी चीनी और तिब्बती उप परिवार। श्यामी चीनी में कौन सी पाई जाएगी, ताई समूह, खमटी, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, थोड़ा टिपिकल वर्ड है। और उसी तरीके से तिब्बती उप परिवार भाषा परिवार को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, पहले हिमालय शाखा जो कि दार्जिलिंग के भेटिया क्षेत्र में बोली जाती है, वही पश्चिमी उपशाखा में छांबा, लाहुली, स्वांगली, किन्नौर, ये भाषाएं बोली जाती है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कीप रॉकिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।